देखिए यहाँ दिया है कि यदि p बराबर 2 माइनस a, तो साबित करना है हमें, यह सिद्ध करना है कि a क्यूब प्लस p क्यूब माइनस 8 प्लस 6 ap बराबर 0। तो एक फॉर्मूला आपको बताए हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc का। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, तो आप जानते हैं a प्लस b प्लस c, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc और माइनस ca। तो इसी पे ये बेस्ड है, चलिए इसको बनाते हैं, ठीक है, इसको बनाते हैं, इस फॉर्मूले पे भी बना सकते हैं और इसको शॉर्ट में भी बनाया जा सकता है। चलिए इसको साबित करते हैं। यहाँ देखिए a क्यूब प्लस p क्यूब माइनस 8 प्लस 6ap को हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, a क्यूब प्लस p क्यूब प्लस माइनस 2 का क्यूब, लिख सकते हैं ना माइनस 8 को, ठीक है, और माइनस 3 इंटू a इंटू p इंटू माइनस 2। तो देखिए ये गुना होगा तो फिर प्लस आपका 6ap आ जाएगा कि नहीं, तो ये तोड़ दिए इस फॉर्मूले पे सेट करने के लिए, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, इस फॉर्मूले पे सेट हो रहा है ना ऊपर वाले पे। तो चलिए यहाँ पे तो इधर ये ही रहेगा, a क्यूब प्लस b क्यूब माइनस 8 प्लस 6ap, इधर देखिए इसको फॉर्मूले पे सेट करेंगे तो हो जाएगा a प्लस b माइनस 2, ये माइनस 2 है, फिर a स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उसी पे माइनस ए बी यानी ए इंटू पी माइनस बी सी यानी पी इंटू माइनस 2, है ना, फिर माइनस सी ए यानी माइनस 2 इंटू ए, ये ना फॉर्मूला होगा। चलिए अब देखिए यहाँ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 8 प्लस 6 ए पी, है ना। अब देखिए इक्वल में जो है, यहाँ देखिए यहाँ से आप चाहे तो यहाँ देखिए आपका जो है p का वैल्यू वहां से रख सकते हैं ना, तो p की जगह यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं 2 माइनस a और फिर यहाँ माइनस 2 है, चलिए इंटू में है आपका ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस का ए पी और माइनस माइनस प्लस 2 पी हो जाएगा और यहाँ माइनस माइनस प्लस 2 a हो जाएगा। अब देखिए यहाँ जो है a से a कटेगा, 2 से 2 कटेगा, यानी ये हो गया 0, ठीक है, तो आगे a क्यूब प्लस p क्यूब माइनस 8 प्लस 6ap बराबर 0 इंटू a स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस 4 माइनस ap प्लस 2p प्लस 2a, समझ रहे हैं, 0 से जब इसमें इंटू होते हैं तो 0 हो गया, ऐसे साबित हो गया आपका a क्यूब प्लस p क्यूब माइनस 8 प्लस 6ap बराबर 0। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे अब, ठीक है, 6ap है आपका, चलिए क्वेश्चन